अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी, ए सड़क अगर तुहानू नज़र आ रही होवे, ये जिहड़ा मेन रोड है उहदे तो अंदर आ रही, और तुहानू शायद मकान भी नज़र आ रहे होणगे। सत चक उधर है, अगे फिर दूसरे पिंडां नू इधर रोड चली जांदी। इस मेन रोड दे उत्ते आ तुहानू है उर्दू दी राइटिंग दे विच लिखिया गवर्नमेंट हाई स्कूल सैनीबार सत चक तहसील व ज़िला ननकाणा साहब। ननकाणा साहब नू हुण ज़िले का स्टेटस दे दिता गया। एक साइड ते जिहड़े इंपॉर्टेंट नंबरस है वह लिखे हुए, सिक्योरिटी रीजन की वजह तो ब्लॉक्स वगैरह, और तुसी देख लो फेंस लगाई गई और दीवार जिहड़ी है वह नवी बनाई गई। ए मेन एंट्रेंस है, सामने सिक्योरिटी स्टाफ तुहानू नज़र आ रहा। जूं ही तुसी गेट तो अंदर एंटर हो जाते, बहुत खूबसूरत स्कूल है, और स्कूल के लैफ्ट और राइट से तुसी देखो कि साइकल्स ने जिहड़े बच्चे पढ़न आते हैं, इधर भी देखो साइकल्स की। और यह सीधा रस्ता जिहड़ा है ये अगे स्कूल की बिल्डिंग वल चला जाता। बहुत खूबसूरत ग्रीनरी और प्लाट्स बनाए गए दोनों साइड से, तुसी अगर देखो बहुत खूबसूरत प्लाट्स ने। जिहड़े इस टाइम मौजूदा हेडमास्टर ने इशफाक साहब, वो ननकाणा साहब के रहने वाले। ननकाणा साहब इत्थों मेरा ख्याल कोई होएगा 15-16 किलोमीटर के फासले से। इतों देखो कि मैं थोनों अगर दिखावा ए वाला, इधर स्टाफ दी मोटरसाइकिल मोटरबाइक्स वगैरह खड़िया। मैं हुण सीधा ही मेन जो है इमारत उहदे वल जा रहा, बिल्डिंग वल। ए देखो बड़ा खूबसूरत स्कूल दी मेंटेनेंस नू काफ़ी इंपॉर्टेंस दिती जांदी, गो कि यह बिल्डिंग पुरानी ही है तुसी देख सकते हो, लेकिन इनू बड़े अच्छे तरीके ना पेंट वगैरह करके इनू प्रिजर्व किया गया। तुसी देख सकते हो जदों तुसी इत्थे एंटर हुंदे तो यह पहली पिक्चर अलामा इकबाल दी है, जिन्होंने लिखा सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उहदे नाल फिर कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना दी पिक है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिदा तुहाडे गांधी जी है। मेरे लिए बड़े माण की गल है कि मैं अपने हुशियारपुर की सरजमीन के लोगों को सैनी, ये पूरे इलाके को सैनी बार कहा जाता सी, चार चक पांच चक छे चक सत चक ये सारा सैनी बार सी। मैं इधर लैफ्ट वल मुड़ गया, लैफ्ट वल पिक्चर भी लिया मैं, लेकिन तुसी वीडियो देख लो। फाउंडेशन स्टोन है, हेडमास्टर साहब का ये ऑफिस है, लिखिया इशफाक खालिद साहब ऑफिस, हेडमास्टर साहब का ऑफिस है। फिर ये नाल कुछ स्टोनस लगे हैं जिन्हें उत्ते उन्होंने लिखा हुआ कि केड़े केड़े बंदे ने स्कूल की जिहड़ी है बिल्डिंग बनाने विच पार्टिसिपेट किया, किन्ने पैसे दिते, वह भी उस टाइम लिखे गए। और सामने एक सीनियर स्कूल टीचर है, उन्हों का रूम है, रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने कोल है। यह बरामदे ने अगर तुम्हें नज़र आ जाए, बरामदे की कंस्ट्रक्शन तो शायद बाद दी होएगी, लेकिन जोड़े रूम्स है वो पुराने ही हैं। इतों अगर असी लैफ्ट साइड होके फिर राइट हो जाएगी, अगर मैं तुम तो दिखा सका तो इस सामने ग्राउंड है। पहले ग्राउंड की चार दीवारी नहीं सी की गई, हूँ तुम देख सकते हो कि चार दीवारी कर दी गई है, और इधर भी क्लासरूम है, एक टीचर जोड़े ने पढ़ा रहे हैं। बड़ा वैल डिसिपलिनड स्कूल है, शायद वही पुरानी लगेसी आ रही है। बहुत खूबसूरत स्कूल और बड़ा हिस्टोरिकल तारीखी स्कूल। मैं सल्यूट करता हाँ वो सैनी जड़े सन जिन्होंने उस वक्त आज तो अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स पहले इन्ना वीएन सी उन्हों का कि उन्होंने अपने आन वाली नस्ल नू एजुकेट करने की खातर उस वक्त हाई स्कूल बनाया। ए स्कूल की बैक साइड है, बैक साइड से प्लाट है, बैक साइड तो बिल्डिंग का व्यू है तो नज़र आ रहा। मैं फिर जा रहा उधर, तुहानू यह जान के खुशी होएगी कि हुण भी लोग गवर्नमेंट तो अलावा भी है, देखो मैं इहदी पिक्चर भी सेंड की है तुहानू करांगा, कि हुण भी लोग इत्थों दे पार्टिसिपेट कर रहे, सैल्फ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बंदे डोनेशन दे रहे स्कूल नू, इत्थों दे जिहड़े अच्छे बंदे है।
ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਪਾਓ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਹੈ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1947 ਤੱਕ 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਆਫ ਡੋਨਰਸ ਫਿਰ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਔਰ ਆਰਚਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਰਚਿਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਰਾਮਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੂਮ ਕਲਾਸ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਗਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਔਰ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ